अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किया, कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से इसका कलर और नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर दिया जाए। तो आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, ये हमारे पास है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। लेट वी स्टार्ट। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि सूरज की जो रेडिएशंस हैं, हम उनकी बदौलत चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। अब सूरज की तो डिफरेंट रेडिएशंस हैं, जैसे कॉस्मिक है, एक्सरेज है, गैमा है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है। तो इन सब की बदौलत हम नहीं देख पाते। इनमें से जो विजिबल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आंख के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी रखी है कि जो विजिबल लाइट है, इसकी मौजूदगी में हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो कलर का जब भी लफ्ज आ जाए तो आप अपने जहन में ये फिक्स कर लीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसी तरीके से ग्रीन, येलो और रेड पर मुश्तमिल है। विद गाय और इसका आप एब्रिवेशन लेते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कलर है, द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल आइंस जो है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आइंस का जो कलर है, ये किस वजह से होता है, पहले इस रीजन को समझ लेते हैं। द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन आइंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स या डी सब शेल्स। डी सब शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी जो है, ये कलर का सबब बनती है। क्यों सबब बनती है? क्योंकि ये डी डी ट्रांजिशन को एग्जिबिट करती है, परमिट करती है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल आइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स विच परमिट्स डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कॉज करते हैं। कलर ऑफ कंप्लेक्सेस जो है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, और जो कलर है ये कब हो सकता है। अगर मैं सम फैक्ट्स की बात करूं, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में शेयर करें हम, तो हमने एक बात तो की कि कलर विजिबिलिटी जो है वो किस वजह से है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। पहली बात हम करते हैं कलर विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन की वजह से है, डी डी ट्रांजिशंस की वजह से है। अच्छा ठीक है, डी डी ट्रांजिशंस कब हो सकती है? दूसरी बात हम कर सकते हैं कलर विजिबिलिटी इज व्हेन, जब एन माइनस वन डी की जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 9 तक है, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर जब 1 से लेकर 9 तक होंगे तो कलर विजिबिलिटी होगी। इसी तरीके से ऑल विजिबल लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। तीसरा इसका फैक्ट ये है कि ऑल विजिबल लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाए, देन व्हेन ऑल विजिबल, जब तमाम विजिबल लाइट जो है इज रिफ्लेक्टेड, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाए, देन तो फिर कलर जो होगा
color appear जो होगा is white, जिसको आप white color को आप no color भी कहते हैं. When all visible light, जब तमाम visible light जो है is absorbed, जब ये absorbed हो जाए then black color जो है, black color जो है ये appear होगा. देखिए चार फैक्ट्स हमने बनाए कि कलर होता किस वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से. डीडी ट्रांजिशन कब होगी, जब डी के अंदर एक से लेकर नौ तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्यों, एक से नौ तक आएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर कलर नहीं है, कलरलेस कब होगा, नो कलर कब होगा, नो कलर अपेयर, कोई भी कलर अपेयर नहीं होगा व्हेन आई माइनस वन एन टू डी इज जीरो, या फिर माइनस वन एन टू डी टेन है. जब डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है या जब डी में टेन इलेक्ट्रॉन है तो अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डिजिटलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी. तो डी डी ट्रांजिशन जो है ये पॉसिबल है जब डी के अंदर एक से नौ तक इलेक्ट्रॉन है. जब जीरो या टेन इलेक्ट्रॉन है तो फिर कलर अपेयर नहीं होगा. अब जो कलर है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है ये डिपेंड करता है और कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर होगा, कैसे अपीयर होगा, तीन चीजों पर. एक तो है जी इसमें नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है वो कैसा है. दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है. और तीसरे नंबर पर जो तीसरी है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री है या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहने, ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर. स्टूडेंट्स कलर इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब हम देखना ये चाहते हैं कि कलर, अब कलर कैसे अपीयर होता है. एक बात को डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर अपीयर होता है. दूसरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. स्टूडेंट्स इन तीन चीजों के ऊपर कलर डिपेंड करता है. लेट अस वी ट्राई टू एक्सप्लेन नाउ द डी डी ट्रांजिशन. व्हाट इज डी डी ट्रांजिशन, हाउ इट टेक्स प्लेस, डी डी ट्रांजिशन क्या है, कैसे ये टेक्स प्लेस होती है. डियर स्टूडेंट्स आपके पास डी ऑर्बिटल जो है, ये डी सब शेल जो है, ये पांच फर्दर ऑर्बिटल्स पर कंसिस्ट करता है. लेट दिस इज द एनर्जी, ये आपके पास डी के पांच ऑर्बिटल्स हैं, दो तीन चार और ये पांच, 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dz square, 3dx square and y square. अब जैसे ही इनके ऊपर लिगेंड अप्रोच करता है, जैसे ही इनके ऊपर लिगेंड अप्रोच करेगा, as ligand
अप्रोच, जैसे ही इसके ऊपर लिगेंड पहुंचता है ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के, जिनमें एक सेट आप कहते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स का, जिसको आप ई जी के नाम से जानते हैं। ई जी क्या है? डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। जब इनमें जो एक ऑर्बिटल है 3d z² 3d x² और y स्केयर का है, जबकि तीन ऑर्बिटल्स जो आते हैं उनको हम नाम देते हैं 3d xy है, 3d xz है, 3d yz है। इनको हम कहते हैं t2g। ये t2g क्या जगह है? ये है ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके दरमियान जो गैप है वो एनर्जी का है, ये एनर्जी का गैप है डेल्टा ई। अब डेल्टा ई जो है ये क्या है? हम जानते हैं डेल्टा ई जो है इज इक्वल टू एच सी बी बार, दैट इज द प्लैंक्स इक्वेशन। अब हमारे पास कलर है वी, वेव गाई और वी वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन वेव गाई, येलो ऑरेंज और रेड। डियर स्टूडेंट्स, जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, जब वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो आपके पास वेव नंबर में इजाफा होता है, जबकि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर में कमी होती है। यानी रेड वाली रेस की एनर्जी भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, वेव नंबर भी कम है, जबकि वायलेट का एनर्जी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और वेव नंबर भी ज्यादा है। अगर लैम्डा वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ वायलेट की शॉर्ट है, जबकि रेड की क्या है? लॉन्ग है। अब ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ है वो डिपेंड करता है लिगेंड कैसा है। लेकिन जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना इस एनर्जी का गैप बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने लिखा कि कलर अपेयर जो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने लिखा कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बोली? अरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट जस्टिफाई करेगी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। फिर ज्योमेट्री क्यों ली? क्योंकि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो उस कॉम्प्लेक्स की उस ज्योमेट्री के अंदर ही होनी है, उस लैटिस के अंदर होनी है। अब जैसे ही ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा यानी इनमें से कोई एक कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गेट एक्साइटेड, ये क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। यानी अगर यहां पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये एच डेल्टा ई जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब होगी, एक्साइटेशन होगी, एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी? एक्साइटेशन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा।
अब जैसे ही ये वापस आएगा तो फिर क्या होगी, डी एक्साइटेशन, क्या होगी, डी एक्साइटेशन होगी। इस तरफ आएगा तो डी एक्साइटेशन, अगर लोअर से हायर जाएगा तो एक्साइटेशन। अब देखिए ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से एन में गया, एन में से वापस, दैट इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। इसको आप क्या नाम देते हैं, डी डी ट्रांजिशन का नाम देते हैं। अब कौन सा कलर ये एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी रेडिएशन ये इमिट करेगा, देखिए ये हमारे पास जो कलर है इसमें आपके पास वायलेट, ब्लू, इसी तरीके से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। अगर वायलेट एब्जॉर्ब होगी तो येलो अपीयर होगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब होगी तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्सेस का अपीयर होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो कंपाउंड है टाइटेनम, ये H2O6 मॉलिक्यूल यानी हेक्सा एक्वा टाइटेनम प्लस टी के ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन है, इसकी अगर हम बात करें तो ये येलो लाइट, येलो कलर को, येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, येलो को एब्जॉर्ब करता है, वायलेट जो है ये अपीयर होगा, वायलेट इज अपीयर, इसका कलर वायलेट अपीयर होगा, जबकि ब्लू एंड रेड जो है, ब्लू एंड रेड जो है इज ट्रांसमिटेड, ये क्या हो जाएगी, यहां से ट्रांसमिट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हियर इज द स्टूडेंट्स डी डी ट्रांजिशन एंड द कलरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसमें मोस्टली चीजें आपकी कवर हो गई होंगी। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भला हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।